हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता को लेकर जांच कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसके मद्देनजर हिंदू युवा वाहिनी PNM सोसाइटी ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल अपलिफ्टमेंट के साथ मिलकर जनपद पेयजल की गुणवत्ता की प्रयोगशाला में जाँच किया गया। जांच के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के पेयजल गुणवत्ता से नीचे रहें तो कहीं स्वास्थ्य के अनुकूल रहें, जिसके संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर PK Mal ने बताया कि पेयजल की गुणवत्ता को लेकर निजी संस्थान के साथ मिलकर गुणवत्ता का जांच कराया जा रहा है। स्थानीय जलकल विभाग में जांच शुल्क अधिक होने पर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर जांच की फीस कम करने के लिए कहा गया है। साथ ही हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर PK Mal ने कहा, अशुद्ध जल से बच्चों में इंसेफ्लाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी होने के साथ बड़े बुजुर्गों को भी गंभीर बीमारी फैलने की आशंका रहती है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में मॉडल के रूप में जल की गुणवत्ता का जांच कराया जा रहा है, आगे चलकर प्रदेश में लागू होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर PK Mal ने कहा, शुद्ध पेयजल का हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्व है। हमारे हिंदू वाहिनी के मुख्य संरक्षक और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी हम लोगों से इच्छा जताई कि हम लोगों को शुद्ध पेयजल सबको मिले, इस पे कार्य करना है। हम लोगों ने गोरखपुर महानगर और आसपास के क्षेत्र के पानी की गुणवत्ता जांच के लिए, क्योंकि शुद्ध पेयजल की तभी आपूर्ति हम सुनिश्चित कर पाएंगे जब पानी की गुणवत्ता को हम लोग जाँचेंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने आसपास के क्षेत्रों के गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के पानी की गुणवत्ता की जांच कराई है। जहां कुछ गड़बड़ी मिली है वहां सुधार के लिए लिखा गया है प्रशासन को, और जहां अच्छी मिली है वो जनता को जानकारी दी गई है। हम लोग आम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि शुद्ध पेयजल वो पिएँ और शुद्ध पेयजल पी के अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग देखा कि जब वाटर टेस्टिंग करा रहे थे तो कुछ लोग यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं, एक तो जल निगम से भी टेस्टिंग की सुविधा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे टेस्टिंग चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आम जनता की पहुँच से थोड़ा सा बाहर दिखता है। इसलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है कि अगर टेस्टिंग का अगर थोड़ा सा रेट कम हो तो आमजन भी जो घर में हर कोई चाहता है तो अपने पानी की टेस्टिंग करवा सकता है, और हम लोग इस अभियान में लगे हैं कि शुद्ध जल पेयजल हर किसी को मिले और ऐसा हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, अशुद्ध जल से कितने प्रकार के नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अशुद्ध पेयजल से पेट खराब रहता है, लूज मोशन होते हैं, डायरिया होती है, कॉलरा जैसे बीमारी होती है, और दुनिया भर में 5 साल से कम बच्चों की उम्र का दूसरा सबसे बड़ा कारण डेथ का ये इस तरह की बीमारी है जो जल जनित बीमारियाँ होती हैं। यहाँ तक कि इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी, ये तो स्वच्छता के कारण से बहुत कंट्रोल पाया गया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह से इस क्षेत्र से ख़त्म हो, इसके लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध हम लोग कराने की दिशा में कदम उठाए हैं। पूरी दुनिया में ये समस्या बनी हुई है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में एक विशेष समस्या है, इस पे हम लोग को कार्य करना है। सर, एक बड़ी संख्या है जो इस पानी के दूषित से कोई अवेयर नहीं है, उसको लेकर किस तरह कार्य किया? देखिए, सबसे पहले तो हम भोजन को उच्च तापमान पे पका लेते हैं, चावल हो या रोटी हो या सब्जी हो, दूध भी उबाल के हम लोग पीते हैं, चाय में भी दूध उबाल के ही यूज़ होता है, यानी कि कोई भी भोजन का पदार्थ है अगर हम भुजा खाते हैं तब भी उच्च तापमान पे भुजे को भुना जाता है, लेकिन पानी के साथ हम कभी उबाल के पानी नहीं पीते। तो एक तो हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप अपने अगर पानी को उबाल के अच्छी तरह से और छान के पिए तो ये सबसे अच्छी बात होगी कि पानी के जो मिनरल्स हैं वो उसमें से ख़त्म नहीं होते, RO में पानी के मिनरल्स भी निकल जाते हैं, और लेकिन पानी उबाल के पीने से वो मिनरल्स उसमें रहेंगे। और भी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं पानी को, हमारा मेन जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कम से कम खर्चे में हम कैसे शुद्ध पानी पिएं, कम से कम खर्चे में हम कैसे शरीर को तंदुरुस्त रखें। ऊपर की कीमत नहीं होती है, हर आदमी के अफोर्ड के बाहर है, जैसे RO का पानी 20 रुपये लीटर हर कोई नहीं पी सकता, तो हमारा इस पे वर्क ये चल रहा है कि कम से कम कीमत में लोगों को शुद्ध पानी कैसे मिले। सर,
सर आपके साथ कौन कौन से संस्थाएं जुड़ी हैं? देखिए हमारे साथ में हम हिंदुवानी का, मैं उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ, साथ में अन्य सहयोगी जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जैसे PNM सोसाइटी फॉर एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट हम लोग बात कर रहे हैं, अन्य जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अन्य जो बड़े बड़े संस्थाएँ हैं कि आइए आप इस क्षेत्र में हम लोगों की मदद कीजिए। सर ये पूरे गोरखपुर में है, पूरे प्रांचल में? देखिए फिलहाल तो हम लोग गोरखपुर से शुरू कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा काम है और अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग अन्य क्षेत्रों में भी लगाएंगे, लेकिन पहले गोरखपुर के एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित कर लें, फिर आगे काम करेंगे।